चलते हैं सब्जी मंडी, सब्जी लेने और आपको दिखाते हैं सब्जियों के भाव क्या चल रहे हैं आजकल। ठीक है जी, अभी मिलते हैं आपको। आलू लो, टीडे लो, गोभी लो, कद्दू लो, जड़ी जड़ी चल रही लो, तो निकल दे वो। ओके, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग, वेरी 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 न्यू व्लॉग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या हाल चाल है जी सबका? सब ठीक ठाक है? देखिए जी, ये जो मेरे वेलकम टू न्यू व्लॉग, मेरे बच्चे इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं भाई, और जब बोलो कभी कहते हैं जी मुझे वेलकम टू न्यू व्लॉग कहना, वेलकम टू न्यू व्लॉग कहना, मेरे बच्चे भाई इतना ऑब्सेस्ड हो गए जी। देखिए जी, अभी फिलहाल मॉर्निंग है तो इसलिए गुड मॉर्निंग सबको। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे पान की तरफ से। हम आए हुए, हम जरा जा रहे हैं जरा एक ज़रूरी काम करने में। हेलो कर दो भाई। हेलो, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? तो बस जी अभी मैं इधर आया हूँ फिलहाल, नाश्ता सबने कर लिया हुआ काफ़ी देर का, अभी फिलहाल तकरीबन दोपहर का टाइम है तकरीबन। तो बस जी अभी हम जा रहे हैं बड़ा एक ज़रूरी काम में, और ज़रूरी काम ऐसा है कि भाई वो करना लाजमी है। क्यों? क्योंकि खाना नहीं मिलना फिर। अभी हम जा रहे हैं जी मंडी में, सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पर भी सब्ज़ी मंडी होती है भाई, ठीक है? शारजा की भी सब्ज़ी मंडी है, अजमान की भी सब्ज़ी मंडी है, दुबई में भी सब्ज़ी मंडी है, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट जिसको कहते हैं। तो बस ये अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं छोटे भाई का, वो कुछ चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं सब्ज़ी मंडी। और आज आपको दिखाते हैं सब्ज़ी मंडी में क्या हाल चाल है, वहाँ से क्यों ले रहे हैं, ये सबसे पहली बात ये, यहाँ मार्केट से क्यों नहीं लेते। देखो जी, चीज़ें कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार चीज़ें यहाँ पर आपको कैरीफोर से भी सस्ती मिल जाती हैं। लिख रही हैं कि जब अब हम दो घर हैं तो हम मोस्टली पहले भी ऐसा ही करते थे कि हम हमेशा सब्ज़ी मंडी पर जाते थे बल्क में ख़रीद के ला के, मतलब एक हफ्ते दो हफ्ते का सामान जो है रख लेते थे। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट में रहता है और चीज़ सस्ते में मिल जाती है, क्योंकि डायरेक्ट जाके मंडी से लेते हैं। ये मार्केट वाले भी वहाँ मंडी से लेकर आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपनी प्राइस लगाते हैं। तो बेहतर यहाँ जाते हैं, हम जो जाते हैं, हमने सारी मार्केटें ट्राई की है, शारजा की मार्केट भी ट्राई की हुई है, दुबई की मार्केट भी ट्राई की हुई है, और हमने अजमान की, मोस्टली हम अजमान वाले पे जाते हैं, पता नहीं क्यों हमें वो सस्ती ज़्यादा लगती है। वेट कर रहे हैं छोटे पाइप का, जैसे ही वेले होते हैं फिर निकलते हैं हम। ठीक है जी, बस उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, अगर नहीं गुजरा तो गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है जी। और दूसरी बात ये कि मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें जी। देखिए आप मेहनत किस लिए कर रहा हूँ? ज़ाहिर अपने लिए कर रहा हूँ, मेहनत तो अपने लिए करनी चाहिए, लेकिन यह कि आप लोगों को कंटेंट बना रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो बस जी आज आपको लेके चलते हैं अजमान वेजिटेबल मार्केट में। ठीक है जी, अब आपको वहाँ जाके ही मिलेंगे हम। बस थोड़ा सा वेट कर रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर चलते हैं। ठीक है जी, तो बस जी उतनी देर तक आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन ठोक दें ही, मत ठोक दो पाए, ठोक दो ताड़ी, ताड़ी नहीं ठोकनी, सब्सक्राइब का बटन ठोकना है, तो लाइक कर दो वीडियो को। बस जी उम्मीद करता हूँ आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। तो बस जी अभी आपको मिलते हैं, अभी आपको मिलते हैं जाके पहुँच के वेजिटेबल मार्केट में। ठीक है जी, जी हम चले 25 साल लगा के। एटा टाइम क्यों लाया जी छोटे पैन, दसो जरा मैनू। ऑनलाइन दे चक्कर आए जी, ऑनलाइन दे चक्कर आए जी, ऑनलाइन नहीं होनी कोई है ना, दसो आपा 2 मिनट दे अंदर ऑनलाइन सिस्टम करके दे दो। बस जी हुन चलते हैं सब्जी मंडी, सब्जी लेने और आपको दिखाते हैं सब्जियों के भाव क्या चल रहे हैं आजकल। ठीक है जी, अभी मिलते हैं आपको। आलू लो, टीडे लो, गोभी लो, कद्दू लो, जड़ी जड़ी चल रही लो, तो निकल दे वो। ओके, मिलते हैं फिर। 1 hour later पहुंच गए हैं हम अजमान के अंदर, अजमान वेजिटेबल मार्केट के अंदर। अभी अंदर फिरेंगे, अभी बाहर ही बैठे हुए हैं, बस अभी चलते हैं जरा आपको दिखा रहे हैं मार्केट का बाहर से सूरत हाल वगैरह। ये काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़ी तरी, मतलब अच्छी वाली बड़ी मार्केट है, इतनी भी नहीं, चलो जितनी भी है। अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ठीक है जी, चलते हैं फिर आपको आलू टिंडे पावे दिखाते हैं। चले जी, ले जी एंट्रेंस है, गेट नंबर 1 है, कड़ा लो पैसे। ये एंट्रेंस आ गई यहाँ से, ये भाई जी यहाँ से एंटर हो के तो ये आ गई ये मार्केट अपनी वेजिटेबल मार्केट। ये यहाँ से यहाँ शुरू होती है वो आगे तक जाती है, ये पहले हम होते हैं यहाँ से, हम लेते हैं शुरू से ही ले लेते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी यहाँ से देखो वो सामने तोड़ वहाँ पर तक, वो आगे देखो वहाँ तक, मतलब ये हैवी बड़ी मार्केट है। ये आजकल स्वीट कॉर्नर यहाँ पर जो है ना छली, जो है ना ये स्वीट 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 वाली चली है, छोटे पैन उधर ही खड़े हैं, क्योंकि अभी पैसे निकलवाने हैं, तो पैसे निकलवाते हैं पहले।
फिर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड मशीन नहीं चलती भाई, यहाँ पे आपको कैश देना पड़ता है कैश। तो भाई जी पैसे निकलवाते हैं फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। A few moments later. हम आ गए हैं सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी में, अजवान की सब्जी मंडी में। आपको हर चीज़ मिलेगी भी यहाँ पे, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी है। बैंगन, चैकन, कद्दू, शद्दू, करेला चेक करो, एडा वा करेला तो साढ़े उत्थे नहीं होता है। और बैंगन भी ये यहाँ पे, ये भाई डिफरेंट टाइप्स के बैंगन होते हैं, वो लंबे वाले, ये वाले छोटे वाले। ये पाकिस्तानी गाजर आई हुई है, देखो यहाँ पे पाकिस्तानी गाजर आती है, लेकिन भाई यहाँ पे महंगी बड़ी होती है। ऊपर भाई ये देखो चेक करो, बंद गोभी चक्की है, ये मेरा हाथ है, ये चक्कर तो मेरा हाथ है। और ये इतनी बड़ी बंद गोभी है यहाँ पे, ये भाई मार्केट मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको नज़र आती है, फुल हैवी किस्म की भिंडी चेक करो। अभी फ़िलहाल देखते हैं, चीज़ें लेते हैं, खीरे वगैरह भी लेने हैं, चीज़ें लेनी हैं, काफ़ी चीज़ें लेनी हैं अभी फ़िलहाल, खरीद चीज़ें वगैरह लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दूसरी मार्केट्स में मैं इसलिए नहीं जाता भाई, इसलिए नहीं जाता, उसकी एक वजह है, क्यों, अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे खुला चीज़ मिली ना, खुला पड़ेगा चीज़, यहाँ आपको अपने हिसाब से किलो लेनी है, दो किलो लेनी है ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। वहाँ दुबई की मार्केट होगी या जमा मतलब शारजा की मार्केट होगी, इधर आ जा, बहुत महंगा लाया इनकी जो मार्केट होती है ना, वहाँ पर जो मार्केट होती है ना, क्या किया होता है उन्होंने ऑलरेडी एक पैक बॉक्स बना कर रखते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो बॉक्स में पैक बना के रख लेते हैं और महंगे बेचते हैं। अब यहाँ चेक कर दो, देखो पूछ लें, लेटर फ्रूट चेक करो, अंगूर डिफरेंट टाइप के अंगूर लगे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंने लगता मंडी खोलनी पड़ी मैंने तो। ये आप यहाँ पे पूरे ट्रे भी खरीद सकते हो भाई, पूरे ट्रे भी खरीद सकते हो जो खरीदनी हो, जैसे ये अभी यहाँ पे बॉक्स है, ये पूरा एप्पल का तुम खरीद लो, और किलो के हिसाब से भी खरीदने, किलो के हिसाब से खरीदो, ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे आके। आगे चेक करो ये बंद गोभी कहाँ की, पता नहीं ले आए उठा के भाई, इतनी बड़ी बड़ी बंद गोभी, ये तो भाई जीन्स ही बदल दिया है बंद गोभी का। बस जी अभी चलते हैं फिलहाल, ये जगह खजूरें लगी हैं काफ़ी टाइप की, ये खजूरें नहीं मैं यहाँ से लेता भाई, खजूरें एक दफ़ा मैं जो यहाँ से लेकर गया था वो अजवा खजूरें, यकीन करो ये क्या कहूँ उस बंदे को, सारे कीड़े लगी हुई थी अंदर, खोला तो कीड़ा लगे थे, मोड़ियाँ छोलियाँ चल रही है। ये टमाटर, टमाटर पेटी 25, वो कितना का, सेम है क्या, ये भाई 25 दिनों की पेटी है जो कि महंगी लगी, आजकल रेट जो है भाई महंगे लगे हुए, रेट काफ़ी ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। तो भाई ये खजूरें शजूरें लगी हैं, बाकी अंदर दुकानें भी होती हैं, अंदर दुकानें भी बनी हुई हैं, उनके रेट थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, जो बाहर दुकानें होते हैं उनके थोड़ा रेट डिफरेंट होते हैं, लेकिन यह कि रेट तकरीबन सबके होता है, जब मार्केट होती है मार्केट में सारा उन्हें तैयार तो यह किया था कि हम क्या एक ही जैसा लेंगे जी, एक ही जैसी प्राइस करेंगे, लेकिन कहीं ना किसी से मिल जाती है थोड़ा बहुत। लौकी चेक करो, लौकी अभी वाटरमेलनों का सीज़न खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे वाटरमेलन मौजूद है देखो, बाकी ये अंदर अभी देखते हैं फिलहाल, बाकी ये जैसे ही अब ये देखो ना, इन्होंने पैकेट बना के रखे हुए हैं, ये सारे पैकेट बना के रखे हुए हैं, पैकेट बना के रखने का मकसद ये है कि भाई उनकी प्राइस फिक्स कर देते हैं कि इसी प्राइस में मिलेगा, फिर तो जो ऊपर वाले में होता है कि अपने वो किलो के हिसाब से होती प्राइस के हिसाब से ले लो, जरूरी नहीं कि आपने सारा कितने लग गया, कितने लग गया, कितने का ज़्यादा नहीं लगा, 25 का पीछे दे रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, 35 धर्म की भाई, वो पूरी पेटी लगी है, हम पेटी देके जाते ताकि हम आधा आधा करके फिर वो क्या करते हैं, हम मोस्टली जो है वो प्योरे प्योरे बना के टमाटर पेस्ट बना के, तो इसी तरह से आलू प्याज भी इसी तरह से लेते हैं, बड़ी बड़े पैकेट ले लेते हैं। तो बस जी यहाँ से अभी इसी तरह से सारा हर जगह पे इसी तरह से है मार्केट में, पूरी मार्केट इसी तरह से, अब देखते हैं फिलहाल कहाँ से हमें सस्ता मिलता है, सस्ता सस्ता मिलने का कोई हिसाब किताब नहीं है वैसे। चेक करो ज़रा मर्चा, चेक करो ज़रा ये हाथ मेरा हमारा माशाल्लाह से बहुत बड़ी बड़ी भाई मर्चें भी लगी हैं, चीज़ें भी लगी हैं। बस जी हाँ जी मार साहब की हिसाब किताब है, बहुत रेट चढ़ा है, टमाटर प्याज टमाटर बहुत ज्यादा महंगा हो गया भाई, टमाटर पता नहीं अग लगी शायद आजकल, क्या
वो देख रहे हो वो चेस्टनट है, तो चेस्टनट कहते हैं ये तुर्की में काफ़ी ज़्यादा उसको ना कोलों पे बना के ना तो वो खाते हैं चेस्टनट वगैरह जी, सब जगह तकरीबन हर जगह पे सेम रेट ही चल रहा है। फिर खजूरें खजूरें आ गई हैं शुरू वाली पे, वहाँ ज़्यादा वो जाना ज़्यादा प्राइस लगाती है शुरू वाले पे हमेशा, ये शुरू वाले पे। अब यहाँ पे टमाटर वगैरह लगे हुए हैं ये पता करते हैं, हम टमाटर पे ही लड़े हुए हैं फिलहाल, तो वो टमाटर लगे पर टमाटर लगे मेन चीज़ टमाटर आलू प्याज वगैरह लग रहे। और जैसे ये आलू आते हैं इन चीज़ों में, ये देखो ना लड़ी है, जैसे ये प्याज भी इस तरह से आते हैं, वो पूरा पैकेट देना पड़ता है। तो भाई जब लेते हैं फिर हम, ये भाई साहब कोई भी एक आध होता है या सर्विस के लिए आए तो उनको साथ में रख लो, आप चीज़ें लेते जाओ और इस टोकरी में रखवाते जाओ। बाकी ये देखो बाकी शुरू में हर वगैरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ले सकते हो आप, चीज़ें तो बड़ी ज़बरदस्त हैं भाई, मतलब आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नई चीज़ मिलेगी, आपको हर चीज़ मिल जाएगी भाई जी। मार्केट से ज़्यादा रेट चल रहा है फिलहाल। कैरीफोर का क्या सीन है पता है क्या? देखो कैरीफोर में जो है मंडी से नहीं जाता, कैरीफोर को डायरेक्ट सप्लायर से मिलता है, मतलब डायरेक्ट वो मंगाते हैं सारे वो सप्लायर से आते हैं। ये लोग इन लोगों का डिफरेंट हिसाब किताब होता है मंडी वाला, कैरीफोर का मंडी से नहीं आती चीज़ उनका, डायरेक्ट सप्लायर होते वो बड़ी मार्केट है तो उनके फिर रेट उनके हिसाब से होते हैं, उनको फिर वो डायरेक्ट जो सप्लायर से देते हैं वही रेट मिलता है उनको। बाकी अभी फ़िलहाल सीन यही है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम चीज़ें लेंगे फिलहाल, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि भाई रेट जो है ज़्यादा हो चुके हुए हैं जिसकी वजह से, और कभी कभार जो है बेसिकली यहाँ अपनी मर्ज़ी के भी रेट बड़े लगाते हैं लोग। प्याज का भी सीन ये है कि भाई जी कुछ दिन पहले अगर आपको पता होगा इंडिया से ना जो प्याज है वो बैन हो गया हुआ था, उस बैन की वजह से प्याज में हर जगह महंगा हो गया भाई। तो अभी फ़िलहाल जो है प्राइस जो है भाई चल रही हैं आसमान पर, कैरीफोर चलिए मेरे तो ख्याल है तो मेरा नहीं ख्याल है तो लैंड मकसद भी बनता फिर साढ़ा। आलू बस ले लो, आलू उत्थे भी एड्डे लगते हैं 9-9 दिरहम दे यार, 9 दिरहम दे धड़ी लगती है 3 के जी वाला, तो बस जी तकरीबन हर चीज़ ही वही मिलती है पैसा। टमाटर तो भाई हम सबसे ही पूछ रहे हैं, टमाटर भी महंगा है प्याज भी महंगा है, ये जो है कॉमन चीज़ें हैं, तो बस ही ये आज ये चीज़ें लगी हैं फिलहाल, देखते हैं सस्ती तो कहीं भी नहीं मिल रही। अभी पूछ रहे क्या महंगा क्यों हुआ, पहले टमाटर महंगा दे दिया दुबई में अवेलेबल नहीं है चलाया आ जा चल। तो भाई बात यह है कि चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस चल रही है हाई, तो मेरा दिल है कि अभी चलते हैं फिलहाल कैरीफोर में, उसके अलावा देखते हैं फिलहाल आलू प्याज वगैरह देखते हैं क्या बनता है। ये जी मार्केट की सूरत हाल आपको दिखाई है फिलहाल, मार्केट आपको दिखा दिया, चीज़ें आपको हर चीज़ मिल जाएगी सब्ज़ी की जो चीज़ आपने लेनी है, पर प्राइसेस आपको नेगोशिएट करनी पड़ेंगी क्योंकि प्राइसेस जो हैं क्योंकि हम ना लेते रहते हैं, हमको इन चीज़ों का आइडिया है कि भाई प्राइसेस वगैरह क्या होनी चाहिए। तो बस जी तो फायदा नहीं है, हर वगैरह सारे फ्रेश चीज़ें आपको यहाँ से फ्रेश मिलेंगी। अभी देखो प्याज मतलब क्या फ्रेश लगा हुआ ग्रीन अनियन, तो मतलब चीज़ें आपको फ्रेश मिलेंगी चीज़ें, लेकिन यह है कि प्राइसेस आपको नेगोशिएट करनी पड़ेंगी। तो अभी बस चलते हैं फिलहाल, मेरा ख्याल है कि भाई हम निकलते हैं यहाँ से जो हालात चल रहे हैं, और क्योंकि हम आते रहते हैं हमें पता है आइडिया कितना होना चाहिए बेसिकली प्राइस, तो उससे ज़्यादा हम नहीं लेते, तो देखते हैं अभी फिलहाल क्या बनता है। ठीक है जी मीनवाइल नहीं जी करते कराते हमने ना चीज़ें ले ली हैं, टमाटर प्याज आलू धनिया बैंगन मिर्चियाँ वगैरह ये सब चीज़ें हमने ले ली हैं करते कराते, कुछ नेगोशिएट कर ली है हमने करके, अगर क्योंकि हमने मार्केट ऑनलाइन में प्राइस देखी है तो प्राइस भाई इस टाइम जो है वेजिटेबल्स की प्राइसेस काफ़ी हाई जा रही हैं, टमाटर भी शॉर्ट है और आलू तो वह आलू सही सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि आलू जो है यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो बेसिकली आता है लेकिन मीठा आता है हमेशा, वो जो है ना जब भी तभी मैं आऊँ पाकिस्तानी वो लेता हूँ कभी कभी लेकर हूँ बस, फिर जब भी लो तो मीठा निकलता है। बाकी जो है आलू जो है इजिप्शियन हमेशा लेते हैं, बाकी टमाटर जो है ये पूरा लेंगे स्कूल से उसको काट के रख लेंगे, चलता रहेगा भाई दौड़ दौड़ तक। अभी छोटे भाई निकले हैं जनाब सब कहीं हूँ आगे की तरफ, आगे मार्केट देखने के लिए चीज़ों वगैरह पता करने के लिए, मैं पैसे कटाता हूँ और पैसे कटा के फिर यहाँ से हम निकलेंगे घर की तरफ। ठीक है जी ये भाई ये बताओ जी बताओ, ये भाई साहब कहते हैं मुझे भी दिखाओ, हाँ जी बताओ जी
बताओ जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आ जाओ भाई, खूबसूरत पूरा डिस्काउंट मिलेगा। 83 नंबर में सब्जी मार्केट आजमान आ जाओ, इस वाला डिस्काउंट है। ये देखो, निजामुद्दीन है, अल मदीना। ये भाई साहब ने जी हमें जो है डिस्काउंट अच्छा बता दिया, नो डाउट। आगे हम पता करके आए थे चीज़ें वगैरह, हमें महंगी मिल रही थी, हम देख रहे थे इसे भी। इन्होंने बोला कि भैया आप लो, मैं डिस्काउंट करूँगा, तो हमने फिर चीज़ें वगैरह ली, तो हमने जो है भाई डिस्काउंट इन्होंने बड़ा अच्छा दिया। अब ये देखो, ये कह रहे हैं चीज़ें वगैरह देखो, फ्रेश सारा माल पड़ा हुआ इनके पास माशाल्लाह से। ये तो ऐसे है जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन यह कि भाई ने अच्छा डिस्काउंट कर दिया। मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं भाई, देखो दिखा देना चाहिए, कुछ नहीं होता इसमें। अंगूर लेते हैं जी, क्या चेक कर रहे हैं, अंगूर है जी। ये भाई साहब कहते हैं सीडलेस है, अंगूर बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ। तो बस ये अभी ये चीज़ें वगैरह लेते हैं, तो माशाल्लाह। बस ये है कि आपको नेगोशिएशन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आओ और जनाब साहब आके जनाब साहब यहाँ पे चीज़ें ना लो, प्राइस पूछो और जनाब साहब बस निकल जाओ। नहीं देखो, अगर आपने चीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो बस ये इसी तरह से हमने भी नेगोशिएट किया है, और नेगोशिएट क्या करना था, उस भाई ने खुद ही कह दिया कि भाई आप लो चीज़ें, मैं डिस्काउंट कर दूँगा। तो ये भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बस जी, अगर आप अजमान मार्केट कभी भी आए यहाँ पे, अजमान फ्रूट वेजिटेबल मार्केट में, ये भाई साहब की दुकान नंबर 83 है। तो बस ये भाई साहब की शक्ल है जी, ये अगर आपको यहाँ पे नजर आए उनको आके बताना है कि आपने ब्लॉग के अंदर देखा था, और बाकी ये चीज़ें वगैरह ये आपको डिस्काउंट दे देंगे जी। ठीक है जी। A few moments later, ये जो है बेसिकली सारी जो है ये यहाँ पे मीट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट के साथ साथ ये बिल्कुल मीट मार्केट है। पूरी बिल्डिंग लगता है, और बिल्डिंग लगता है, ये बिल्डिंग लगता है। बैटरी मेरी लो थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बैटरी में भी दिखा दो, फिलहाल रिकॉर्ड हो जाए, बाद में चार्जिंग करते रहेंगे। बस यहाँ पे आपको मीट मिल जाएगा भाई, जिसने लेना। तो ये यहाँ से एक चीज़ ये भी फ़ायदा है कि भाई यहाँ से ले जाते हैं हम चीज़ें वगैरह कट्ठी, तो सस्ती भी पड़ जाती हैं। सस्ती मतलब सस्ती कहना तो वैसे बस एक वर्ड बन गया, बस सस्ता ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस उतनी होती, थोड़ा फ़र्क होता है, ज़रूर बाजार है उधर मार्केट से, इधर मार्केट से थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है लाजमी। बाकी यहाँ से शुरू में सारा मीट था, अब यहाँ से ये चिकन सेक्शन स्टार्ट होएगा, सारा चिकन वगैरह डक वगैरह स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। यहाँ फ्रेश चिकन लो, कटवाओ और लेके जाओ, बेहतरीन, फ्रोजन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैं सही है, दो लल्ला तो पास जी। अब उधर मार्केट में मिला 20-20 दिरहम पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, यहाँ से फ्रेश मिल रही है आपको जनाब साहब 15 दिरहम पर केजी के हिसाब से। तो पास जी अभी लेते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं घर। ओके जी। One hour later. क्या ज़बरदस्त सीन है जी, ये सीन मतलब क्या ही ज़बरदस्त सीन है। बस जी अभी हम मार्केट से आ गए हैं वापस, अभी जा रहे हैं हम घर, रस्से में हैं। तो बस जी उम्मीद करता हूँ आपका आपका दिन तो अच्छा गुजर रहा होगा, और दूसरा ये कि उम्मीद करता हूँ आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे जी। मेन चीज़ तो ये मकसद है कि व्लॉग मेरे अच्छे लग रहे हैं कि लगने चाहिए जी, लगने चाहिए, लग जाएंगे, अगर नहीं लगे तो लग जाएंगे, कोई मसला नहीं है। कि थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ में, एक वक्त लगता है, पेशेंस होनी चाहिए इंसान के अंदर। बस जी मेरे बस व्लॉग को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अभी अभी भी सब्सक्राइब बटन ठोक दो। ठीक है जी, आज का दिन जो है हमारा बस इसी चीज़ में गुजर गया, क्योंकि ये आज क्योंकि सर है मोस्टली पहले भी हम जाते होते थे, क्योंकि ये बीच के थोड़े दिन थे, कुछ टाइम था जिसके अंदर हम ज़्यादा उस मार्केट की तरफ नहीं गए। तो बस ये आज फिर इसलिए आपको आज ये मार्केट दिखाई है, अगर आप भी जाना चाहें तो आप भी जा सकते हैं, इन्जॉय करा करें टाइम अपना। ठीक है जी, इसी तरह से अभी फ़िलहाल आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं घर, घर जाके काम शाम करेंगे और क्या करेंगे, और बाकी व्लॉग को एडिट करेंगे। बस जी खुश रहे, आबाद रहे, और मेरे व्लॉग्स को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाजमी। ठीक है जी, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कोई नई चीज़ के साथ। ठीक है, अब अपने भाई को दीजिए इजाज़त, और छोटे बहन को भी दीजिए इजाज़त, क्योंकि इस टाइम वो चला रहे हैं गाड़ी फुल फोकस में। ठीक है जी, छोटे बहन क्या कहेंगे वैसे जाने से पहले? दिन छुट्टी देख के आंदा है, गुजरता है स्पीड ही, पता नहीं चलता। देखा जी बस एक सिर घर की ग्रोसरी वगैरह ही लगे हैं, दिन गुजर भी गए, दिन हमारा जो है इसी चीज़ में गुजर जाता है। मतलब एक छुट्टी का दिन होता है वो, टाइम आजकल भाई फ्लाई कर रहा है, फ्लाई मतलब टाइम का पता ही चल रहा, समझ रहे? तो बस जी अपने भाइयों को दुआ में याद रखें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहे, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, रब रखा।